स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। हरियाणा का बहुचर्चित मामला गुरमीत राम रहीम, जो कि हत्याकांड और रेप मामले में सुनारिया जेल में बंद है, आपको बता दें कि आज एक हत्याकांड में उनको बरी कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर हरियाणा के लिए और खासकर जो मैनेजर रंजीत सिंह है उनके परिवार के लिए। और कहा ऐसा भी गया है कि जब निचली अदालत ने, यानी कि पंचकूला की स्पेशल सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था, तो उन्होंने जो है इसको चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी थी। और आज 28 मई को, मंगलवार को, सुरेश्वर ठाकुर और ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। न सिर्फ उन्हें बल्कि चार अन्य दोषियों को बरी कर दिया, आरोपियों को भी, जिसको दोषी करार जो है निचली अदालत ने दिया था। अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। एक समय था जब सिरसा का डेरा सच्चा सौदा अपने चरम पर था और उनके अनुयायी जो है लाखों करोड़ों में थे। हर एक गांव, हर शहर से उनके अनुयायी थे। 2002 की बात है, एक गुमनाम पत्र सार्वजनिक हुआ जिसमें कुछ ऐसी थी जिस कारण गुरमीत राम रहीम के शाख पर बट्टा लगा। न सिर्फ बट्टा लगा, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी हुई। उस पत्र में महिलाओं से, डेरा प्रमुख के महिलाओं से यौन शोषण की बात जो है लिखी हुई थी, छपी हुई थी। आपको बता दें 2002 में कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया गांव में जब ये पत्र लीक हुआ, शिक्रेशी लीकआउट हुई, तो उसके बाद रंजीत सिंह को वहां से हटा दिया गया, डेरा की सभी गतिविधियों से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद उनकी जो है कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया गांव में गोलियां मारकर हत्या की गई, जिसमें निचली अदालत में कहा गया कि एक वैगनर कार में कुछ आरोपी आए थे और जिनका गुरमीत राम रहीम के कहने पर उनका मर्डर हुआ रंजीत सिंह का। और ये बात अदालत ने जो है मान ली थी, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम, कृष्णलाल और तीन चार और अन्य को आरोपी जो है साबित कर दिया था, दोषी करार दे दिया गया था। उसके बाद 2021 में, 18 अक्टूबर 2021 में फैसला आया कि उस पत्र के कारण ही गुरमीत राम रहीम इतने व्यथित हुए, जिस कारण उन्होंने रंजीत सिंह की हत्या की गई। आपको बता दें कि जब गुरमीत राम रहीम व अन्य को दोषी करार दिया तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें 31 लाख का जुर्माना तो केवल गुरमीत राम रहीम पर था, जबकि 1.5 लाख जुर्माना सबदिल पर और 1.25 लाख रुपए जुर्माना जसवीर और कृष्णलाल पर था, जबकि एक अन्य आरोपी की जो है सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। और आज फैसला आया है कि निचली अदालत ने कमजोर सबूतों के आधार पर, जिनमें राम रहीम दोषी करार नहीं होते, उनके आधार पर सजा सुनवाई थी, उम्र कैद की सजा जो है सुनवाई गई थी। आज उस सजा को जो है नकारते हुए, उस फैसले को क्लोज करते हुए हाई कोर्ट ने ललित बत्रा और सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने राम रहीम को बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले से रंजीत सिंह के परिवार को गहरा धक्का लगा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर देना कि आप इस फैसले से कितने खुश, कितने नाखुश हैं, जबकि अभी भी राम रहीम जो है जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर और कई मामले जो है लंबित हैं, जिनमें एक मामला तो पत्रकार छत्रपति जी की हत्या का है, जबकि दूसरा मामला साध्वी यौन शोषण का है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। आपको बता दें कि इन दोनों मामलों में भी, हत्याकांड और रेप में भी, उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी हुई है, जबकि फैसला हाईकोर्ट में अभी लंबित है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं हूं मेनका देसवाल, आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।